हेलो फ्रेंड, मैं हूं संगीता। खाने की खुशबू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अरवी के पत्ते की पकौड़ी, जिसे यूपी बिहार में रिकमाची कहा जाता है। यह आसानी से हर जगह मिल जाता है। आइए शुरू करें। ये अरवी का पत्ता है। ये देसी और अंग्रेजी दोनों तरह का मिलता है। हमने अंग्रेजी पत्ता लिया है। देसी पत्ता से तो गले में बहुत ज़्यादा लगता है। इस पत्ते के पीछे का डंडल को हम काट लेंगे, इसकी नसों को इस तरह से परिफॉर्मिंग डेट में रख लेंगे। ठीक है, मैं सारे पत्तों को काट लिया है। वो इसको हम अच्छी तरह से धो के साफ कर लेंगे। कुछ मसाले हैं जिसको हमको पीसना ही पड़ेगा। आइए देखिए, एक चम्मच काली मिर्च, तीन गांठ लहसुन जो 25 से 30 कलियां लहसुन की, एक इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 7 लाल मिर्च और 5 से 7 हरी मिर्च हमने लिया है, 2 चम्मच जीरा। इन सभी चीज़ों को हम पीस लेंगे। आप चाहे तो सीर बट्टी में पीस सकते हैं, आप चाहे तो मिक्सर जान। 200 ग्राम हमने बेसन लिया है और 4 से 5 बड़े चम्मच हमने चावल का आटा लिया है। आप चाहे तो भिगो के चावल को पीस भी सकते हैं। कुछ पीसी हुई सामग्री का हम प्रयोग करेंगे। 2 चम्मच खटाई पाउडर, 1 चम्मच बड़ा धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। खंडन पाउडर के साथ साथ हम नींबू के रस का भी प्रयोग करेंगे। मैंने नींबू के रस को पहले से ही निकाल लिया है। आइए मोल तैयार। सबसे पहले हम बेसन लेंगे। बेसन में पीसे हुए मसाले को हम डाल देंगे। हमने मिक्सी जार में पीस लिया, सारे मसाले इसमें डाल। मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस सारे को सब फॉर्म वो इसे बेसन में डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। खटाई पाउडर, धनिया पाउडर, हींग और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा हमने पिसा हुआ लाल मिर्च यूज करिए। साथ ही में हम डालेंगे नींबू का रस। विस्फोम अच्छे से मिलाएंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालना रखेंगे, इसको मिक्स करेंगे गोल को। गोल को ज़्यादा पतला नहीं रखना है। इसमें और थोड़ा सा पानी डालेंगे, हल्दी पाउडर नहीं डाल। हम इसमें हल्दी डालना भूल रहे थे, इसलिए हम ऊपर से इसमें हल्दी मिला देंगे। 3 चम्मच हमने हल्दी लिया है। इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे क्योंकि वो बहुत खड़ा है। इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे तो पतला भी हो जाता है कभी कभी, इसलिए ध्यान दें। थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसको तैयार, इसको अच्छी तरह से मिला दें कि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसमें यह हमारा बहुत तैयार हो गया है। ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा भी होना चाहिए। सबसे बड़े पत्ते का हम इसमें प्रयोग करेंगे। इसको उल्टा करके हम रख लिया है। अब इसमें हम बेसन लगाएंगे। बेसन का जो हमने पहले से घोल तैयार करके रखा है, इसको हाथों से इसमें हम बराबर से लगा दें। इसमें से जो छोटे पत्ते हैं उनका हम प्रयोग करेंगे। अब पत्तों के किनारों को मैं मोड़ लेंगे, फिर उनका सब बेसन लगा देंगे, इधर से भी हम मोड़ लेंगे। इसको हल्का सा पतला ऐसे कर इसका देगा। आप चाहे इसको काम भी सकते हैं, याद एक माचिस की तीली से इसको उठ के इसमें रख। ऐसे ही हम बाकी और पत्तों को रखेंगे उल्टा करके।
और इसमें हमें बहुत बेसन का लगा दें। और इस पर एक भगोना रख के हम 2.5 से 3 लीटर पानी डाल देंगे भगोने में। मैंने भगोने में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम एक छन्नी लेंगे। अगर आपके पास इस तरह की छन्नी नहीं है तो आगे बताएंगे कि आपको कैसे बनाना। पानी गर्म हो गया है, देखिए भाप निकलना शुरू हो गया है। अब इसके ऊपर सब इस छन्नी काट देंगे, थोड़े से ऑयल सब इसको ब्रशिंग ग्रीस कर देंगे। ग्रीस करने से हमारा अरवी का रोल जो है वो चिपके दाना ही आसानी से निकल जाएगा। अब इस अरवी के रोल को हम एक एक करके इसमें छन्नी में रख देंगे। अब इसको हम एक बड़े बर्तन से ढक देंगे। यदि आपके पास छन्नी नहीं है इस तरह का तो आप इस तरह का स्टैंड लें और इसको भगोने पे रख दें। भगोने में पानी ज़्यादा ऊपर तक ना रखें, कभी रखें स्टैंड से। इसके ऊपर हम एक प्लेट में अरवी के सारे नूडल को रखें और इसके ऊपर हम रख देंगे और एक प्लेट से हम ढक देंगे। अगर स्टैंड नहीं है तो आप एक कटोरी का भी प्रयोग कर सकते। 20 से 25 मिनट के इसको हम पकने देंगे। यूपी और बिहार में अरवी का पत्ता बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन बड़े शहर थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन हम सब्जी के मार्केट में जाएंगे तो बारिश के सीज़न में आसानी से मिल जाए। 20 से 25 मिनट हो चुका है, अब इसको हम ढक्कन हटा के देखेंगे। तो देखिए हो गया हमारा, मिक्स चावल की सहायता से वंस चेक कर लेंगे। ये हो गया, इसको हम गैस ऑफ करके वो ठंडा होने के लिए रख। अरवी के पत्ते का रिक्वेस्ट तैयार हो गया है, अब इसको छोटे पीसेस से काटेंगे। एक गैस के पत्ते में इसी तरफ बाकी के रोल को भी हम काट लेंगे। इसको मैंने पीसेस में काट लिया है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन ये अगर फ्राई करके आप खाएंगे और भी टेस्टी हो जाएगा। फिर आइए इसको फ्राई कर लेते हैं। इसके तवा या फ्राई पैन रख देंगे। मैंने यहाँ पे तवा लिया है, आप चाहे तो फ्राई पैन में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। सीध चार चम्मच तेल डालूंगी, आप चाहे तो सरसों का भी तेल यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर रिफाइन ऑफ किया है, इसमें आधा चम्मच से करेंगे जीरा डालेंगे। आप चाहे तो सरसों भी यूज कर सकते हैं। जीरा चटक गया, जिससे हम सीखे रिक्वेस्ट को हम डाल देंगे से दिए। बस हम इसको ऊपर से फिर डाल दें। अच्छे से कुमासे हुए हैं, इसी फ्राई कर लेंगे। जहाँ हमारे रिक्वेस्ट के पत्ते पे तेल ना पहुँचाओ वहाँ भी आसानी से पहुँच जब वह हल्का सा कलर उसका तेल नीचे से हरा हो जाए। अरवी के पत्ते की पकौड़ी यानी कि रिक्वेस्ट बनके तैयार है। आप इसे चाहे तो चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं, पूड़ी या रोटी के साथ भी खा सकते हैं, या चाय के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।